खरगोन की कसरौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सचिन यादव ने विधानसभा क्षेत्र में 15 पंचायतों को अपनी निधि से 20 लाख के फायर फाइटर वितरित किए हैं। हम आपको बता दें कि सचिन यादव ग्राम डाबरी में 20 लाख से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे और क्षेत्र में कम बारिश से चलते ठंड के मौसम में लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। ऐसे में समस्या से निजात पाने के लिए विधायक ने टैंकर वितरित किए। इस दौरान विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद आगामी दिनों में पानी की समस्या से निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी ये कोशिश, हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि जब जब हमारी कलम में ताकत आई, जब जब हमको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला, हमारे कलम से आप लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए निर्देश और आदेश जारी करने का काम हमने किया। आप लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए हमने योजना बनाने का काम किया। और यह सिलसिला आज से नहीं, यह सिलसिला 40 वर्ष पुराना सिलसिला है। आदरणीय साथियों, 40 साल तक इस कसरावे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया और ऐसी महती योजनाएं जिसकी कल्पना भी हमारे जो विपक्षी दल के साथी हैं वो भी सपने में भी उन योजनाओं के बारे में, उस सोच के बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन योजनाओं को पूरा करने की बात तो दूर आदरणीय साथियों। भी आइए, आज नर्मदा जयंती के अवसर पर ग्रामवासियों को आज 15 टैंकर वितरित किए। देखिए, आज सबसे पहले तो माँ नर्मदा की जयंती के अवसर पर मैं सभी विधानसभा के साथियों को शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र पे बना हुआ है और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से ही हमारा क्षेत्र लगातार निरंतर और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आज हम सभी साथी यहाँ पर कुछ हमारे गांव हैं जहाँ पर अवर्षा के कारण पेयजल की और हमारे जो पशुधन हैं उनके पीने के पानी की समस्या खड़ी हुई थी। पिछले दिनों हम यहाँ पर दौरे पे आए थे, सभी साथियों ने हमें इस समस्या से अवगत कराया था। हमने सब साथियों के साथ में बैठ कर के इस समस्या से कैसा निराकरण मिले इसकी हमने योजना बनाई और सभी एकमत से सबने ये कहा कि यहाँ पर जो टैंकर हैं, टैंकर वितरण हो जाए ताकि इससे आने वाले समय में पानी का सही तरीके से इसका वितरण हो सके। और साथ ही साथ हमने पीएचई विभाग को भी इन समस्त गांव में जहां पर गंभीर पेयजल की समस्या है वहां पर योजनाएं बनाने के लिए हमने बोला है। लगभग हमारी योजनाएं जो हैं मंजूरी की ओर हैं और शीघ्र ही कई ग्राम पंचायतों में उसका काम भी चल रहा है, वो भी शीघ्र पूर्ण होंगे और जहाँ की हमने योजनाएं भेजी हैं वो भी शीघ्र मंजूर हो जाएंगी। और यहाँ पर आने वाले समय में हमारी कोशिश है, प्रयास हो कि हमारे माताएं बहनों को और हमारे साथियों को पेयजल की किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई बाधा ना आए, इसलिए आज हमने ये आयोजन, ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।